तेलंगाना के करीमनगर के एक कन्वेंशन सेंटर में सुबह 11 बजे से ही बड़ी संख्या में महिला, बच्चे और पुरुष बीजेपी सांसद बंदी संजय कुमार के पहुंचने का इंतजार करते दिखे। इनका ताल्लुक मडिगा समुदाय से है। तेलंगाना में ये समुदाय अनुसूचित जातियों में सबसे बड़ा है। तेलंगाना के कई जिलों में मडिगा समुदाय बड़ा वोट बैंक है। वैसे तो ये समुदाय चुनाव में बीआरएस या कांग्रेस का समर्थन करता दिखता था, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव से उसके रूप में बदलाव साफ दिख रहा है। इस बदलाव की खास वजह मडिगा समुदाय को अनुसूचित जातियों के बीच आरक्षण में कोटा देने की पेशकश मानी जा रही है। इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना देयर आर 3 एमपी रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, दैट इज पेद्दपल्ली, वन अदर इज नागर कर्नूल, अनदर इज दिस वरंगल। इन दिस 3 एमपी सेगमेंट द हाईएस्ट पॉपुलेटेड कम्युनिटी इज मडिगा कम्युनिटी। ए सिंगल सीट वॉज नॉट अलॉटेड टू द मडिगा कम्युनिटी, right? All the 3 seats the Congress party allotted to Mala community, so that is the injustice to the Madiga community. So in coming days the Madiga community absolutely supporting to the BJP party. Madiga samuday MRPS yani Madiga reservation Poratta committee ke तहत एक साथ आते हैं। ये संगठन समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। आरक्षण कोटा की मांग को लेकर अपना संगठन बनाने के बाद एमआरपीएस के फाउंडर मंदा कृष्ण मडिगा ने अब खुले तौर पर बीजेपी को समर्थन देने की पेशकश की है, जिससे पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ा है। पार्टी को उम्मीद है कि करीमनगर में 36% से ज्यादा एससी वोटों में से ज्यादातर वोट उसके हिस्से में आएंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक तौर पर ऐलान किया है कि उनकी सरकार एक कमेटी बनाकर पार्टी के वादे पूरे करेगी।